गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सी मिश्रा ब्लॉग। और आज है नवरात्र का अंतिम दिन, तो हमारे मन में कुछ पूजा पाठ करने का मन उठा, तो हम जा रहे हैं लेहड़ा मंदिर। अभी पहुँचे हैं पेट्रोल पंप, पहले गाड़ी में डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि विदाउट पेट्रोल गाड़ी चलने वाली है नहीं। तो अभी चलते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है, लेकिन भराते हैं पेट्रोल, उसके बाद मिलते हैं आगे आप लोगों से। हमने अपने बाइक में गाड़ी में तेल भरा लिया, अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पर विष्णु मंदिर है फरिंदा में, काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है। तो उसके बाद ये क्या है, बच्चे यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान। वो वाह, काफ़ी अच्छा अभियान है ये। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं रैली में, ताकि सबको जागरूक किया जाए कि सभी लोग स्कूल चलें। तो हम लोग अब आगे जा रहे हैं लेहड़ा मंदिर की तरफ, तो चलते हैं वहाँ पर भी। अभी तो काफ़ी लेट हो गया जाने में, तो अभी रास्ते में हैं हम लोग। जब तक हम लोग रास्ते में हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस टाइम वीडियो मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं आगे, फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। हम लोग जा रहे हैं माता लेहड़ा मंदिर, और भाई हमारे साथ छोटा भाई अमित बाइक चला रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे, अभी तो है रास्ते में। दोस्तों हम लोग खेत खलिहानों को पार करते हुए आ चुके हैं जंगल में, जंगल के बीच में रास्ता जाता है ये, जो कि जाता है सीधे लेहड़ा मंदिर। यह हुआ रास्ता ख़त्म, हम लोग आ चुके हैं माता लेहड़ा मंदिर के गेट में, गेट के पास। अब यहाँ से एंट्री हम लोग की हो गई अंदर, और यहाँ से करेक्ट नियर अबाउट 1 किलोमीटर पड़ता है माता जी का मंदिर। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे भी, और ये रोड सीधे चल जाएगा माता जी के मंदिर के पास ही। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो पार्किंग नहीं लगता था, लेकिन नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि अंदर भीड़ ना हो। तो अमित ले जा रहा है गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो अभी पार्किंग से पार्क लगा के आएगा बाहर, तो फिर चलेंगे मंदिर के अंदर।
गाड़ी पार्क में लग चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर भी एक गेट, काफ़ी पुराना गेट है ये। यहाँ से अभी भी कम से कम 400 मीटर अंदर है माता जी का मंदिर। आप वहाँ देख सकते हैं जो कटरेन टाइप का है, वहाँ पर वीर हाउस की तरह वहाँ पर है माता जी का मंदिर। तो अभी तो काफ़ी चौड़ा यहाँ पर हो गया रास्ता, और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ आदमी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, जिनको शॉपिंग करना है। तो अभी चलते हैं हम आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगीन गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारों को पार करते हुए अब हम लोग जाएंगे आगे माता जी के मंदिर के पास, जहाँ हम लेंगे प्रसाद। तो अभी यहाँ पर तो काफ़ी लोग बुला रहे हैं, भैया आइए यहाँ प्रसाद ले लीजिए, लेकिन हम लोग की दुकान जस्ट मंदिर के सामने ही है। तभी वहाँ चलते हैं, वहाँ से लेते हैं प्रसाद, फिर उसके बाद जाएंगे माता जी का दर्शन करने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भैया जी के दुकान के पास, जहां से हम लेंगे प्रसाद। भैया जी हमें देखते ही मुस्करा दिया उन्होंने, और वहां हमारी प्रसाद लगाएंगे वो हम लोग का। उसको देखिए काफ़ी तरीके का, यहां पर आप देखेंगे चुनरी, और फिर जस्ट मंदिर के सामने ही भैया जी का दुकान है जो कि प्रसाद देते हैं, और माता मंदिर के जस्ट सामने है दुकान। तो हम लोग जब भी आते हैं यहीं से लेते हैं अपना प्रसाद। तभी लेंगे प्रसाद, फिर उसके बाद जाएँगे अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए नई गाड़ी है खड़ी है, जिसका अभी पूजन करवा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। तो हमारा प्रसाद लग चुका, और देखिए भैया लगा रहे हैं, अभी लग चुका नहीं, लगा नहीं, एक लग चुका, एक लगाना है। तो भैया लगा रहे हैं प्रसाद, उसके बाद प्रसाद लेके फिर हम जाएंगे अंदर। और मंदिर के अंदर पड़ती है दक्षिणा की ज़रूरत, तो हम लोग अब भैया से अभी कुछ छुट्टा नहीं था तो पहले खुला करा लेते हैं ताकि अंदर में देने के लिए। फिर उसके बाद अब आ चुके हैं हम लोग मंदिर के परिसर में। देखिए काफ़ी यहाँ पर आज तो बहुत कम भीड़ है, लेकिन तब भी भीड़ है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ लगती है। मिलते ही भैया से इन्होंने कहा कि हमारे आप फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, तो इनसे फ़ोटो क्लिक करवाया गया हमने। फिर पहले तो चलते हैं फूल लेंगे, फूल लेके उसके बाद जाएंगे माता जी का पूजा करेंगे, उसके बाद तब अंदर का भी। वैसे तो कैमरा अलाउ है नहीं अंदर, तो दिखाएंगे वैसे भी जहाँ तक दिखाने लायक रहेगा वहाँ तक दिखाएंगे। तो फिर चलते हैं, अभी अंदर फूल ले लिया हमने, अब जा रहे हैं, चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ है। आप देखिए कितने श्रद्धालु निकल रहे हैं बाहर यहाँ पर पूजा करके। तो हम लोग लाइन लग चुके हैं, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। एक राउंड घूमा हमने, अब दूसरे राउंड की बारी है। दूसरे राउंड घूम के फिर उसके बाद अब इधर से हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। वहाँ से दरिया से वाइट पड़ रहा है ना? नहीं नहीं, बैक से बना रहा। तो फाइनली अब हम लोग भूल भुलैया पार करके आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट के पास, और यहाँ से देखिए काफ़ी शानदार है। बैरिकेटिंग लगा हुआ है कि पुरुष एक तरफ रहेंगे, महिला एक तरफ। जब भीड़ हो जाती है ज़्यादा, अभी आज तो भीड़ है ना, इसलिए एक ही रोड चल रहा है। तो फिर चलते हैं, अभी कुछ लोग आगे कर रहे हैं पूजा। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा माहौल, एकदम शांति का माहौल यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर जिनको अपना पाठ उठ करना होता है वो आके बगल में बैठ के अपना काम से कर लेते हैं। तो अभी तो हम चल रहे हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कोई कैमरा बंद करिए। जय हो माता श्री। तो हम लोगों ने बात कर लिया, परमिशन ले लिया कि बस थोड़ा सा शूट करना है। हम लोग अभी बस पाँच एक आध शूट करेंगे, उसके बाद फिर बंद कर देंगे कैमरा। तो हम लोग माता जी का दर्शन करके जा रहे हैं आगे। यहाँ पर देखिए बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति है, और यहाँ पर काफ़ी मान्यता इस जागता मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ की कहानी आप देखेंगे प्राचीन में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहानी है। तब बारी है नारियल फोड़ने की, तो चलते हैं नारियल फोड़ेंगे। तो हमने अपने बाजुओं का दम दिखा दिया, और नारियल फोड़ के बकायदे पूरा आशीर्वाद लेके एकदम कपूर अगरबत्ती हर चीज़ दवा जला के अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जाते हैं जहाँ पर मेन रहस्य यहाँ का जुटा हुआ, जहाँ पर यहाँ पर नाय वाली माता, जहाँ पर यहाँ प्रकट हुई थी जहाँ से माता, हमने वहाँ का भी दर्शन किया। अब निकलना है आगे धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए अनेक हर देवी देवता यहाँ पर हैं, तो सबका
पूजा करके हम लोग फिर अब डायरेक्ट निकलते हैं मंदिर के बाहर। तो अभी यहाँ देखिए ये गेट है, इधर से एंट्री होता है इस साइड से, यहाँ से आप निकल जाएंगे ताकि भीड़ कम करने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जस्ट बगल में ही समय माता का मंदिर है, एक है ये शायद संतोषी माता हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे थे तभी एक पंडित जी ने अमित को पकड़ा और कहा कि आपको टीका लगाते हैं, तो हमने कहा लगा दीजिए, तो इनको काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद मिला इनको टीका लगाते टाइम। तो हम लोगों ने फुल मस्त एकदम माता जी का दर्शन किया, पूजा किया, प्रसाद भी लिया और फोटो भी खिंचवाए हमने और अमित ने दोनों लोग एक साथ। तो अब जिस रास्ते हम लोग आए थे उसी रास्ते निकलते हैं बाहर और फिर निकालेंगे गाड़ी को पार्किंग में से, फिर चलेंगे घर। फिर से अमित गया, काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है बाइक निकाल करके, वहाँ अमित जा रहा है अभी। तो अमित अभी बाइक लेकर आएगा तो फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग घर, फिर रास्ते में करेंगे देखेंगे कुछ देखने। जंगलों के बीच में रास्तों के बगल में ही जंगल है, तो हम लोग अमित ने कहा कि भैया चलिए चलते हैं जंगल के बीच। तो आज तो उपवास हम लोग का तो कुछ खाना पीना तो था नहीं, तो चलते हैं अंदर और जंगल में देखें। काफ़ी यहाँ शुरुआती में आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है और काफ़ी अच्छी हवाएँ यहाँ पर चल रही हैं। तो पहले चलते हैं अंदर, ये देखिए व्यू जंगल का, एकदम हरियाली यहाँ पर। अभी जल्दी पुराने पत्ते देखिए अब नीचे बिखरे हुए हैं, सब नए पत्ते इस पर आए इसलिए ज़्यादा हरा लग रहा है जंगल और काफ़ी अच्छा वातावरण है जंगल का। गाइस हम लोग जा रहे थे मंदिर से घर, अमित गाड़ी चला रहा था तो रास्ते में पड़ता है जंगल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा फुल बैकग्राउंड में केवल जंगल ही जंगल है। तो सोचा हम लोग सोचे कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुका है देखिए ऊपर, काफ़ी लेट कर दिया अमित आने में, तो हम लोग सोचे कि जंगल में चल के कुछ मस्ती करते हैं। तो देखिए कितना सुनसान जगह, कोई भी नहीं है इस जंगल में और यहाँ पर दो तीन गाय और फिर कुछ जानवर यहाँ घूम रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी शांति का माहौल है और यहाँ पर अभी कुछ चिड़ियाँ यहाँ पर बोल रही थी लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रही हैं। सो देख सकते हैं हम लोग कितना, ये लेहड़ा मंदिर जाते वक्त रास्ते में पड़ता है जंगल, तो कितना सुनसान और कितनी शानदार यहाँ पर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। सो यहाँ पर हम लोग आके कुछ मस्ती कर रहे हैं, प्रसाद हम लोग ले चुके हैं और बारी है घर जाने की। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पर रास्ते में ही जंगल है, तो हम लोग सोचे कि चलो अंदर जंगल के चलते हैं। हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, देखिए अब काफ़ी रोड दिखाई नहीं दे रहा है और इधर भी, इधर एक मेन जंगल का मेन रास्ता इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच रास्ता है। तो देखिए इधर भी सीधे गया है और जस्ट अपोजिट यहाँ भी है, तो हम लोग जंगल के बीचों बीच हैं यहाँ देखिए। ये कला है इसके अंदर, बजा एक बार और बजा बजा कितना तेज यहाँ पे इसका साउंड गुजरा। हम बजा रहे हैं अब इस बार सीटी, तो देखते हैं कितना तेज गूंजता है आवाज़।
वाह भाई कितनी शांति फुल यहाँ पर। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा जानवर, कहीं ये सब अगर जो पागल हो गया तो फिर हम लोग बचेंगे नहीं भाई, पहले बता दे। यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ जानवर घूम रहे हैं, गर्मियों में देखिए नीचे कितना पत्ते गिरे हुए हैं, इसमें चलने में तो भाई ये आवाज़ें काफ़ी तरह की इसमें आती हैं, तो इसको देख के अमित भी उतर चुका, अभी भी चलेगा। ये देखिए कला दिखा रहा भाई, एक बार बजाओ तो मुझे। अब कला नहीं बजाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा सब पत्ता गिर चुका है और नए पत्ते आ चुके हैं पेड़ों में, देखिए। गिर रहे हैं काफ़ी शानदार, यहाँ पर क्या शानदार हवा लग रहा है, इतना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, मन तो कर ही नहीं आ जाने के लिए। तो पहले तो अभी कुछ देर यहाँ पर रहेंगे, इंजॉय करेंगे, उसके बाद तब चलेंगे घर।